हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम देखेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा होगा क्या, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल। बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 1101010100 इन बाइनरी इज इक्वल टू व्हाट इन हेक्साडेसिमल। तो कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं क्या करना है। जो भी वैल्यू दिया हुआ उसे एक बार नोट कर लीजिए अपने रफ कॉपी पे, 1101010100। क्लियर? 1101010100। ओके, अब इधर से मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपको बढ़ना और चार चार बिट का ग्रुपिंग करना है। हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग फोर बिट्स का ग्रुपिंग करेंगे। क्यों? तो ये रीज़न आपको लास्ट वीडियो में बताया जा चुका। आप लास्ट वीडियो को दो बार चार बार देखिए, ठीक है। नाउ देखिए, वन, अब ये कितना है, तो 1 2 4 8, 8 और 2 10 है ये, 1 2 4 8, 4 और 2 6 है ये, 1 2। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरो हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 1 2 4 8, ये 1 2 2 1 3 ही है, जीरो ले या नहीं ले, हमने ले लिया क्योंकि बेटर प्रैक्टिस है ले लेना। ओके, नाउ इन सबको एक साथ लिखना है। अब 10 को हम लोग लिखते हैं ए, सो 3 6 A इन हेक्साडेसिमल हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1101010.010110। सो लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, वन ही है। इन बाइनरी इज इक्वल टू व्हाट इन हेक्सा डेसिमल। तो करना क्या है, जो भी वैल्यू आपको दिया गया उसे एक बार नोट कर लीजिए। तो ये 1101010.010111 है। अब क्या करना है, तो इस डेसिमल पॉइंट से राइट में राइट की ओर बढ़ना, लेफ्ट में लेफ्ट की ओर बढ़ना, कुछ याद नहीं रखना, राइट में राइट की ओर, लेफ्ट में लेफ्ट की ओर, चार चार का पेयरिंग करना है, 2 2 4, और यहाँ भी 4 होगा। अब एक्स्ट्रा जीरो राइट साइड में लेना कंपलसरी है, लेफ्ट में लेने की जरूरत नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। 4 और ये 4 यहाँ भी नहीं है, तो 4 एक्स्ट्रा जीरो 4 के लिए ले लिए। अब क्या करना है, ये कितना है लिखना है, 1 2 4 8, 8 4 12 1 13, 1 2 4 4 2 6, ये 1 2 4 4 1 5, 1 2 4 8 8 4 12। अब देखिए यहाँ जीरो नहीं लेते तो प्रॉब्लम हो जाता, तो ये एक्स्ट्रा जीरो है और यहाँ ये एक्स्ट्रा जीरो है। 13 को हम लोग लिखते हैं डी, सो 6D.5। 12 को लिखते हैं सो 5C इन हेक्साडेसिमल हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। लास्ट वीडियो में हर कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया है, फिर भी आपको याद इतना ही रखना है कि ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल में 3-3 बिट की बात होती है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में 4-4 बिट की बात होती है, बस इतना ही याद रखना है। तो ये तो कॉन्सेप्ट रहा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की। आप कुछ क्वेश्चन अपने से होमवर्क में कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क के लिए आप खुद से बना के देखिए, 1101101010, ठीक है, 0, ठीक है। इन बाइनरी इज इक्वल टू व्हाट इन ऑक्टल इज इक्वल टू व्हाट इन हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट करना खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में दो क्वेश्चन है, 1010.11001, ठीक है, 0 1 नहीं 1, इन बाइनरी इज इक्वल टू व्हाट इन ऑक्टल इज इक्वल टू व्हाट इन हेक्सा डेसिमल। खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखते हैं रिवर्स कन्वर्जन, ऑक्टल से बाइनरी और हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।